Hello guys, this is Mahadaman from Faisalabad Medical University, first year MBBS. So, Faisalabad Medical University के जो आप सामने देख रहे हैं, ये इसका मेन गेट है, जो कि 24 घंटे खुला रहता है. मतलब ये है कि अगर आप रात को 2 बजे भी यूनिवर्सिटी से आना चाहते हैं या इससे जाना चाहते हैं तो आप इजीली आ जा सकते हैं. गाइस, ये गेट था हमारा मेन गेट, और उसके बाद अगर हम मूव करते हैं इधर, तो इस राइट साइड पर हमारे पास ऑडिटोरियम आता है. हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितना भी अकेडमिक्स होता है वो इधर है. और अब मैं अगर इस साइड की बात करता हूँ तो यहाँ हमारे पास कैफे है, यहाँ HPL की ब्रांच है, एग्जामिनेशन हॉल है. सो आइए चलते हैं आपको. जाती है और हमारे पास आगे क्या आता है, VC ऑफिस आता है. और अगर हम उसके आगे से एंट्रेंस से निकल जाएं तो हमारे पास ऑडिटोरियम का बैक गेट आ जाता है. सो आप देख रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के साथ एक पार्क है. सो लेट्स सी, जो आप सामने दो डिपार्टमेंट्स आएंगे ये भी हायर क्लासेस से हैं. सो इसका भी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये कौन सी ईयर से हैं, क्या हिसाब किताब है. सो लेट्स मूव ऑन. जो आप सामने देख रहे हैं पोस्टर्स वगैरह, ये सोसाइटीज़ जो होती हैं हमारे कॉलेज की, वो कोई ना कोई इवेंट्स कर रही होती हैं, कोई ना कोई इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होती है. सो जो पोस्टर हैं ये ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर हैं. सो लेट्स सी, की बात करते हैं, अकेडमिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ की जो फैकल्टी है वो आपको पीक पर जाकर दोनों प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों चीज़ों में वो आपको पीक पर जाकर फैसिलिटेट करती है. यार यहाँ इंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो बहुत इंटरटेनमेंट है. यहाँ आपको वेलकम पार्टी मिलती है, स्पोर्ट्स वीक है, फन फेयर है, बुक फेयर है,
बहुत सी सोसाइटी हैं जो कि तकरीबन हर हफ्ते में 2-3 उनके फंक्शन होते हैं। अभी बल्कि हमारा कल स्टॉल लगेंगे, फूड स्टॉल है, तो यानी आपको फुल एंटरटेनमेंट का सामान मिलता है और जस्ट चिल, लेकिन साथ पढ़ना भी पड़ता है। सो दिस इज़ आवर लाइब्रेरी, जहाँ आप किसी भी वक्त आके पढ़ सकते हैं, कोई भी बुक इशू करवा सकते हैं। यहाँ रीडिंग रूम भी है जहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। यार जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है वो शहर के सेंटर में है, यहाँ से आपको शहर जो मेन घंटाघर है इधर का वो आपको बहुत करीब पड़ता है। यहाँ की आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हैं, बाहर आपको फूड स्ट्रीट मिलती है जहाँ कभी भी जाकर चिल कर सकते हैं। यहाँ का जो यूनिवर्सिटी की सोसाइटीज़ हैं बहुत सोसाइटीज़ हैं और तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल है। अब वो जो सोसाइटीज़ हैं वो आपको बहुत सारी प्लेटफॉर्म देती हैं जहाँ आप जाकर अपने आप को ग्रूमिंग कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ आपको एंटरटेनमेंट का सामान भी मिलता है। सो दिस इज़ आवर कैफ़े बैग, ये कैफ़े है, ये आप कैफ़े से कुछ मिलें, खाएँ दस्त की छाँव के नीचे और इन्जॉय करें। एंड दिस इज़ आवर वन ऑफ फेमस गार्डन, दैट इज़ रोज़ गार्डन। यहाँ का जो यूनिवर्सिटी की सबसे मज़ेदार बात वो यहाँ का सीनियर जूनियर इंट्रैक्शन है। यहाँ जब आप आते हो तो आपको कुछ पता नहीं होता क्या सीन है, तो सारा कुछ आपको आपके सीनियर गाइड करते हैं, यहाँ तक कि बुक्स भी वो आपको परचेज करवा के देते हैं। तो यहाँ के जो ये वाली बात है बहुत And this is examination hall means a nightmare. So guys, ये हमारी labs हैं। यार जहाँ तक यहाँ की hostel की बात है तो अगर आप मुझसे पूछें तो hostel में university से भी ज़्यादा मज़ा है। वहाँ room के अंदर आपको AC मिलता है, ठीक है, जो सबसे यहाँ मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है कि आपको AC मिलेगा इधर। उसके अलावा hostel के अंदर हमारे पास क्रिकेट स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है, आपको वॉलीबॉल ग्राउंड मिलता है, आपको हॉकी खेलने के लिए स्पेस मिलती है, यानी वट एवर यू वांट आपको मिलता है खेलने के लिए। बाकी गाइज यहाँ जो हॉस्टल है, हॉस्टल के अंदर हॉस्टल में भी काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर कभी बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है, फुटबॉल का टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। सो यानी हॉस्टल में भी आपको फुल एंजॉय का मौका मिलता है। I hope you have enjoyed the video and Allah Hafiz. Goodbye.